नमस्कार, मैं नितिशन। इस वक्त हम मौजूद हैं पीतमपुरा नहर पर। आज हम आपको छठ महापर्व के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं अपने छठ पर्व को मनाने के लिए पहुँच चुकी हैं। यहाँ के आसपास के सभी इलाकों से लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। यह महा छठ पर्व हर साल मनाया जाता है। यह पीतमपुरा नहर है जहाँ पर भक्त दूर दूर से लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर आ पहुँचे हैं। आपको बता दें कि इस महा छठ पर्व का बहुत ही खास महत्व माना जाता है, जिससे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पुरुष व महिलाएं पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। इस महा छठ पर्व का बहुत ही महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस महा छठ पर्व को पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे कि पूरे भारत में महा छठ पर्व को मनाया जाता है। आप देख सकते हैं पानी में खड़े होकर यहाँ पर सारे भक्तगण, पानी में खड़े होकर सभी भक्तगण डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर जो भक्तगण बैठे हुए हैं, जी नाम बताइए जरा। इंदु। कहाँ से आए आप? अजीतपुर से। कितना महत्व है आपके इस व्रत का? बहुत महत्व है। कब से आते हैं आप? कितने साल हो गए? 4-5 साल हो गए। किस लिए रखा जाता है ये व्रत? अपना मनकर्मा, जो अपना भाखो, जो मनकर्मा पूरा छठ पर्व में शरीर करते हैं, इसलिए करते हैं हम लोग। कितने दिन का व्रत होता है? 3 दिन का होता है, 2 दिन का होता है। निर्जल व्रत होता है? हाँ, निर्जल व्रत होता है। अर्घ अभी देंगे, फिर सुबह भी देंगे? हाँ, सुबह भी देंगे। विवाह क्या महत्व है छठ पूजा का? किस लिए जो है व्रत रखा जाता है? क्यों उगते हुए सूरज को रख दिया जाता है और छिपते हुए? इसको बहुत महत्व है, मतलब इससे हमें सब कुछ मिलता है, मतलब घर परिवार सब बच्चे सबके लिए हम व्रत करते हैं। बहुत भारी पर्व है ये। कितने दिन का व्रत होता है? 3 दिन का। एक दिन नहान खान होता है, दूसरे दिन खरना होता है, और 2 दिन का ये होता है, 4 दिन का हो जाता है। मतलब जिसको मनोकामना पूरा होता है वो पूरा गांव मिलके हम लोग शुरू से करते हैं, और अब तो बहुत ही विकास हो गया, पूरा विश्व में हो रहा है। इस पूजा का महत्व बहुत बड़ा है। क्या किस लिए रखा जाता है, क्या महत्व है? रखा जाता है जैसे हमारा कोई मन का अरदास है वो पूरा होने के बाद, या होने वाला है उसका भी होता है। महिलाएं रखती हैं, पुरुष भी रखते हैं? पुरुष भी रखते हैं। पहले 2 साल जो बीत गए COVID-19 के, उसके बाद फिर से आज लोग इकट्ठा हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत उत्साह है हमारे अंदर। सरकार की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? सब व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गया जी, क्या बोलता है, कद्दू भात होता है, एक दिन खरना होता है, एक दिन पहली अर्घ होता है आज, और उसके बाद काल निस्तार हो जाएगा, तब जो जाते हैं। ये जो बच्चों में दुख तकलीफ होता है उसमें उसमें वो गस्ता है, वो करता है। बहुत साल से रखते हैं अपने, रखने के जब तक शक्ति है उतना तक कर सकता है। कितना साल से कर रहे हैं, पूछ रहे हैं? तो उतना साल तो बताइए रहे हैं। उसमें COVID-19 की वजह से 2 साल नहीं मनाई गई छठ, सही तरीके से, तो क्या लग रहा है आपको कि 2 साल बाद आप लोग फिर दोबारा देता है वही सुख? दो बार 2 साल नहीं करेगा तो डबल दे करेगा। नाम रोहित कुमार। रोहित जी, जो व्यवस्था की गई है वो सरकार की तरफ से की गई है या आप लोगों ने? ये जो व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, कुछ व्यवस्था नहीं की गई है। जो व्यवस्था किया है हम लोग ने खुद मिलके किया है, और सवेरे 6 बजे से लग के हमारे को 11-12 बज गए, हाथ में छाले पड़ गए, कुदार चलाते चलाते यहाँ पर कोई सरकार झांकने तक नहीं आई, देखने तक नहीं आई कैसे छठ होता है, कैसे नहीं होता। पहले वहाँ पे व्यवस्था होता था, जमुना जी में व्यवस्था होता था, अब जमुना जी में भी व्यवस्था नहीं हो रहा है, यहाँ खुद व्यवस्था करना पड़ रहा है। नहीं करोगे
छठ पूजा नहीं करोगे तो खुद दिक्कत है, करोगे तो दिक्कत है, करे तो करे क्या, आम पब्लिक मर रही है इसमें बीच में। बस हमें इन्होंने बताया है कि ये 3 दिन की पूजा अर्चना होती है, जिसमें कि शाम के वक्त अर्घ दिया जाता है, अगले दिन सुबह के वक्त अर्घ दिया जाता है, जिससे कि इनकी पूजा अर्चना समाप्त होती है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी भक्तगण आए हैं सभी बहुत खुशी के माहौल में झूमे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर दूर दूर से लंबी लंबी कतारों में लोग आ पहुँचे हैं और अपने छठ पर्व को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। साथ ही यहाँ पर गीत संगीत भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार द्वारा भी सभी तरीके की व्यवस्था दी गई है, दिल्ली पुलिस भी मौके पर मौजूद है। दिल्ली से प्रदीप उज्जैन के साथ नीति सैन की रिपोर्ट।